साथियों, बेरोजगारी महंगाई का एक बड़ा जिम्मेदार भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार की वजह से देश में गरीबी और महंगाई बढ़ी है। शायद ही ऐसा कोई सरकारी दफ्तर होगा जहां पर रिश्वत ना ली जाती हो। और पहले तो रिश्वत लेने में आदमी कायली महसूस करते हैं कि लागत है कौनो गलत काम कर रहा हूं, उसको अपराध का बोध होता था। परंतु आज तो ऐसे हालात हो गए हैं कि वो रिश्वत अपना अधिकार समझता है, बड़े ठोक के लेता है। बीच जने की बीच ले लेते हैं। वो कहते वो हिस्सा है तो मत लेते हैं। गुंडा करती माफिया करती बरकरार है और भ्रष्ट अधिकारियों के चलते आज भी गरीबों और शोषितों को न्याय पीड़ितों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमने ये तय किया कि हम राजनीतिक विकास मंच के माध्यम से इस लड़ाई को पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ में लड़ने का काम करेंगे। देश की असली समस्या गरीबी नहीं है, देश की असली समस्या बेरोजगारी है। अगर आप बेरोजगारी दूर करेंगे तो गरीबी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे देश में विशेष अभियान चला करके ऐसा देश में माहौल बनाया जाए कि देश के प्रत्येक नागरिक के हाथ में रोजगार मिल जाए, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रह जाए, ऐसा देश और प्रदेश में माहौल बनना चाहिए। जिस तरीके से गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से कानून को तोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल किया जाता है, मैं ये बहुत मजबूती के साथ में कहना चाहता हूं कि लगभग देश में ऐसे हालात हैं कि गरीबों के लिए अलग तरीके से कानून का इस्तेमाल और अमीरों के लिए अलग कानून। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान के अंदर दो कानून हैं। इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान के अंदर दो कानून हैं, एक अमीरों खातिर बना हुआ है और एक गरीबन खातिर। पूरे देश के अंदर एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि धारा 151 के तहत किसी अमीर आदमी का चलान हुआ, हमेशा गरीब होगा। हाथ कटे, पैर टूटे, लोग मारते, खून बहाते हुए लोग आते हैं, मुकदमा नहीं लिखो जाता, नहीं लिखो जाता ना, मर्डर तक के मुकदमा नहीं लिखे जाते हैं। पर मोरे खिलाफ ना बिना चोट के, बिना मेडिकल कराए भ्रष्ट अधिकारियों ने, खास तौर से यहां के भ्रष्ट जिला अधिकारी ने, जिसके बारे में मेरे पास में जानकारी आई है कि वो रात दिन बराबर नोटे लेना व्यस्त है, वो इतना तो कौन से फुर्सत में फोन तक का बात करेगा, तो वो रात दिन बराबर एक ही काम में मस्त है, रुपया वसूली करे, धन इकट्ठा करे। इसी जनपद के अंदर ऐसे ऐसे प्रतिनिधि भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनके खानदान का इतिहास है, जिनके खानदान ने अपने ही सगी रिश्तेदारी में डकैती तक डाली है, मर्डर तक किए हैं, ऐसा इस बाला की धरती में जनप्रतिनिधि आज भी मौजूद है। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिनके खूने में मिलावट हो, जिनके खून में गड़बड़ी हो, उसे अच्छाई की उम्मीद नहीं करी जा सकती है। मैं आप सभी के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, मजबूती से इस बात को कहना चाहता हूं कि ऐसे ही गंदी मिलावट के खून वाले लोग ही गरीबों के पीछे लगे हैं, कमजोरों के पीछे लगे हैं, उनकी बैलगाड़ियों पर मुकदमे करा रहे हैं, उनकी साइकिल और ई रिक्शा बंद करा रहे हैं, गधा खच्चर वालों के उनकी दुकानें बंद करा रहे हैं। और ऐसे ही गरीब लोग जो प्रधान जीत करके खास तौर से आए हैं जनपद में, जो खास तौर से दबंगों को हरा करके आए हैं, और उनके पीछे भी हाथ धो के पड़े हैं, नहा धो।